साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरा मेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। 12 तारीख को डायमंड लॉन्स में जुमा के दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मालेगांव शहर के तमाम ही कार्यकर्ताओं का, तमाम ही पदाधिकारियों का, तमाम ही साबिक कारपोरेटर और छोटे बड़े तमाम ही पदाधिकारियों का, महिला कार्यकर्ताओं का, युवा कार्यकर्ताओं का, तमाम ही सेल विंग के तमाम ही अराकीन का और हमारे वर्करों का एक बहुत बड़ा मेलावा डायमंड लॉन्स में हमने रखा है। हमारा जो मकसद है मेलावा रखने का, ये कोई शहरी हालात के ऊपर हम लोग बातचीत तो करेंगे, लेकिन मकसद मेन ये है कि अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होंगे और असेंबली की तैयारी मालेगांव शहर में किस तरीके से हमको करना चाहिए, क्या हमारा लायमाल होना चाहिए, क्या हम लोगों को आवाम के बीच में, आवाम के पास किस बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए और कैसे हमको ये इलेक्शन जीता जा सकता है, कैसे हम जीत सकते हैं, इसके लिए एक लायमल तैयार करने के लिए पार्टी का हम लोगों ने मिलावा रखा है। और मैं हमारे तमाम ही पार्टी के वर्करों से, जिम्मेदारों से अपील करता हूं कि उसके अंदर आप लोग शरीक रहें। विधानसभा का बिगुल जो है बच गया, मालेगांव में कुछ ज़्यादा ही सरगर्मियाँ बढ़ गई है, पार्टी में इनकमिंग और आउटगोइंग सब शुरू हो गई है, तो आप कोई देने वाले? ऐसा है कि 5 साल वर्कर पार्टी के साथ रहता है, लीडर के साथ रहता है और वो जब इलेक्शन आता है तो ये सोचता है कि मैंने किसी को MLA बनाया तो उसने 5 साल मेरे साथ क्या बर्ताव किया। और मैं समझता हूँ कि MLA साहब के वर्कर अगर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं तो मुफ्ती इस्माइल साहब की नाकामी है। और अलग अलग पार्टियों के अंदर उनका इस्तकबाल हो रहा है, पार्टी प्रवेश हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी पार्टी के अंदर इनकमिंग होगा और एक बड़े पैमाने के ऊपर होगा। चंद दिनों आप लोग इंतज़ार करिए और बड़ी बड़ी जिम्मेदार दूसरी पार्टियों के हमारी पार्टी में आने वाले हैं।